Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है दस व्याख्यानों के इस श्रृंखला में आज चौथे व्याख्यान पर हम चर्चा कर रहे हैं इसमें लिंग और स्वच्छता के अंतर संबंधों पर चर्चा की जाएगी पिछले व्याख्यान में जो कि जाति और स्वच्छता पर आधारित था हमने ये चर्चा करने का प्रयास किया कि किस तरह से जाति और स्वच्छता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुछ जाति की जो सामाजिक संरचना है वह स्वच्छता से संबंधित है और स्वच्छता के कुछ पहलू को कुछ खास जाति के साथ जोड़ के देखा जा रहा है तो जाति और स्वच्छता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की आज का व्याख्यान हमारा केंद्रित रहेगा लिंग और स्वच्छता जिसमें हम स्वच्छता के उन प्रभावों की चर्चा करेंगे जो विशेषतः महिलाओं पर पड़ती है और महिलाएं किस तरह से स्वच्छता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं इसके विभिन्न पहलुओं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं जब हम लिंग और स्वच्छता की बात कर रहे हैं अपने राष्ट्र को हम प्रेम से भारत माता के नाम से पुकारते हैं हम भारत माता के नाम से पुकारते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश की उन माताओं का उचित सम्मान हो उनकी गरिमा की रक्षा की जाए और भारत माता के देश में ऐसी कोई महिलाएं ना हो जो सामाजिक रूप से पीड़ित हों और कभी कभी वह सांस्कृतिक रूप से वंचित भी की जाती हों ऐसे महिलाओं के लिए हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संविधान में भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में जब हम शुरुआत करते हैं तो हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग यहां जो हम है उस हम भारत के लोग में वो महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं अगर संविधान का अधिकार संविधान ने सबको दिया है महिला और पुरुषों को बराबर रूप में दिया है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को भी वो अधिकार मिले महिलाओं की गरिमा की भी रक्षा की जाए और महिलाएं भी इसी समाज का अभिन्न अंग हैं और महिला पुरुष की भागीदारी हर चीज़ में बनी रहे जब हम स्वच्छता और लिंग की बात कर रहे हैं जो अभी दो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो नवीनतम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें पांच जगह स्वच्छता सब का प्रयोग किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पांच जगह स्वच्छता था सब का था प्रयोग किया जाना अपने आप में इंगित करता है कि स्वच्छता को आज के परिवेश में शैक्षणिक युग में कितना अच्छा माना गया है और कितना जरूरी माना गया है क्योंकि पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें जो उन्नीस में आया था उसमें स्वच्छता शब्द नहीं चर्चा की गई थी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उन्नीस में आई उसमें भी स्वच्छता शब्द का चर्चा नहीं है जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पांच जगह स्वच्छता शब्द की चर्चा की गई है हम अगर लिंग की बात कर रहे हैं जो जेंडर की बात कर रहे हैं तो इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सोलह जगह जेंडर शब्द या लिंग शब्द की चर्चा की गई है सोलह बार एक दस्तावेज में जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाना अपने आप में इंगित करता है कि इसको कितना महत्वपूर्ण माना गया है शैक्षणिक कार्य के लिए या समाज को इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है जब हम जेंडर की बात करते हैं या लिंग की बात करते हैं तो हम सबको पता है सेक्स और जेंडर दो अलग अलग शब्द हैं जिसको हिंदी में लिंग कहा जाता है एक तो जो हमें जैविक रूप से मिलता है पुरुष और स्त्री दो प्रकार के होते हैं जो हमें जैविक रूप से मिलता है दूसरा समाज द्वारा निर्मित होता है वह जो जेंडर का रूप है जिसमें हर समाज अलग अलग रूप से निर्धारित करता है कि मेरे समाज में स्त्रियां इस, इस रूप से रहेंगी और पुरुष इस तरह से रहेंगे यहाँ जो समाज द्वारा निर्धारित की जाती है सांस्कृतिक रूप से उसको गढ़ा जाता है सामाजिक रूप से उसको स्थापित किया जाता है और सामाजिक नियंत्रण के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है यहाँ से जो भेद शुरू होता है कि पुरुष ये काम करेंगे पुरुष ऐसे होते हैं महिलाएं ये काम करेंगी ये काम सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं और महिलाएं ऐसी यह जो विभाजन है स्त्री पुरुष का इसी से संबंधित और इसको स्वच्छता से हम कैसे जोड़ के देख सकते हैं इसी बारे में हमें आज विस्तृत चर्चा करने की की जरूरत है। जब हम महिला की बात करते हैं जेंडर के संदर्भ में तो द सेकेंड सेक्स नाम की एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें सिमोडी बोवा लिखती हैं कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं महिलाएं बना दी जाती हैं अर्थात उनका विशेषार्थ यह है इसमें कि जब जैविक रूप से स्त्री और पुरुष एक तरह से पैदा होते हैं लेकिन सामाजिक मान्यता मूल्य परंपरा उस विशेष समाज की जो रचना होती है उसकी जो सोच होती है उसके अनुसार महिलाओं को अलग अलग रूप से कार्य करने उनको मानसिक रूप से किस तरह से तैयार करना है उनको कौन कौन से कार्य दिए जाते हैं उनको कौन कौन से कार्य करने हैं इस सब की व्यवस्था वह खास समाज ही करता है इस तरह से हम बनाते हैं किस तरह का लिंग निर्धारित हो समाज में समाज में जेंडर की कैसी संरचना हो और यह समय समय पर परिवर्तित भी होती रहती है और जिस तरह से हम स्पष्ट जान रहे हैं कि ऐसे परिवर्तनशील समाज में हमें यह समझना चाहिए कि आज के युग में स्त्री और पुरुष को समान रूप से देखा जाना चाहिए उनमें कोई विभेदीकरण नहीं किया जाना चाहिए उनमें कोई भेदभाव निश्चित रूप से नहीं किया जाना चाहिए वर्तमान में जब हम स्वच्छता और लिंग की बात करते हैं उससे पहले अगर हम कुछ आंकड़ों की चर्चा करें जिससे ये समझने में हमें आसानी होगी कि आज के युग में वर्तमान परिवेश में भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है और क्यों हमें ज़्यादा जरूरत है इस पक्ष पर चर्चा करने की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम ये देखते हैं शिक्षा जो कि सबका अधिकार है सबको मिलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज के 2021 के आंकड़े क्योंकि जनगणना अभी तक हमारे पास अद्यतन भारत की जो जनगणना है वो 2011 की ही उपलब्ध है 2021 में कोरोना वायरस के कारण ये जनगणना नहीं की जा सकती सकी थी और इसीलिए अद्यतन आंकड़ा जो हमारे पास उपलब्ध है वह जनगणना भारत की जो जनगणना है 2011 की है उसके अनुसार सिर्फ पैंसठ प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं भारत में भारत में सिर्फ पैंसठ प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं जबकि यह आंकड़ा इक्सी प्रतिशत है पुरुषों के लिए और इसी कारण जिसको कहा जाता है साक्षरता में लिंग अंतर जेंडर गैप जो है 16 प्रतिशत का जेंडर गैप है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में 16 परसेंटेज पॉइंट के जो गैप हैं अर्थात इक्सी प्रतिशत पुरुष और सिर्फ पैंसठ प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं आज के भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जो कि अद्यतन है आज के समय में अब यहां हमें यह सोचने की जरूरत है कि शिक्षा का अधिकार सबको है पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए लेकिन महिलाओं के लिए इसलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि महिलाएं एक परिवार का रचना करती हैं महिलाएं परिवार की धुरी मानी जाती हैं महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो उस परिवार का समुचित विकास हो पाएगा क्योंकि बच्चों के पालन पोषण में महिलाओं का विशेष योगदान होता है पिता का भी योगदान होता है पुरुषों का भी योगदान होता है लेकिन चूंकि स्त्रियाँ ज़्यादा करीब होती हैं महिलाएं या माताएं ज़्यादा करीब होती हैं बच्चों के इसलिए उनकी अहम भूमिका होती है इसी संदर्भ में घाना के एक समाजशास्त्री एग्रे इन्होंने एक वक्तव्य दिया था उस समय ये स्त्री पुरुष और पुरुषों को लोग सब समाज के लोग घाना में स्कूल नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए अपने बेटों को तो भेज देते थे अपने बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे इसी संदर्भ में कि अपने अपने जैसे आप अपने बेटे को भेजते हैं अपनी बेटी को भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजिए इसी क्रम में उन्होंने वक्तव्य दिया था घाना के समाजशास्त्री एग्रे ने उन्होंने कहा था कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है और अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं या शिक्षित करते हैं तो एक परिवार समाज या राष्ट्र शिक्षित होता है यह हमें आज के दिन में भी इसकी महत्ता अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि निश्चित रूप से पुरुषों को भी साक्षर होना चाहिए पुरुषों के लिए भी साक्षरता उतनी ही आवश्यक है लेकिन महिलाओं की साक्षरता ज़्यादा जरूरी इसलिए है कि वह बच्चों के लालन पालन में ज़्यादा ध्यान देती हैं अगर हम दूसरा आंकड़ा देखें तो सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं जेंडर के कंटेक्स्ट में लिंग अनुपात यह भी अगर 2011 के जनगणना के आधार पर देखें तो भारत में सिर्फ नौ महिलाएं हैं एक हजार प्रति पुरुष पर सिर्फ नौ महिलाएं ही हैं 2011 के जनगणना के अनुसार लेकिन इसका सुखद पहलू यह है कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है जिसम को एन का जो फिफ्थ राउंड कहा जाता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण तो एन पांचवें दौर का जो रिपोर्ट कह रहा है उसके अनुसार 1020 लिंग अनुपात है भारत में तो यह तो एक सुखद पक्ष है लेकिन यह है एक सर्वेक्षण है और जो जनगणना जो हमारे पास अद्यतन है उसके हिसाब से सिर्फ नौ महिलाएं ही हैं अगर इसमें भी हम लिंग अनुपात में बच्चों का अलग से लिंग अनुपात देखा जाता है जिसको सिस लिंग अनुपात या बाल लिंग अनुपात कहा जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो कहा जाता है भारत में जीरो से छः वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें स्त्री पुरुष का अनुपात देखा जाता है तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 919 पुरुष बच्चे थे महिला बच्चों के तुलना में और अगर हम ये देखें तो यह बहुत ही गलत तरीके से बहुत ही विस्मयकारी तरीके से नीचे गिरता जा रहा है यह आंकड़ा अभी नौ सौ उन्नीस था दो हज़ार ग्यारह में यह उससे पहले दो हज़ार एक में नौ सौ था उससे पहले 945 था तो इस तरह से जो कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं 945 927, 911 इस तरह से गिरना ये अच्छे स, अच्छा संकेत नहीं है किसी भी समाज के लिए क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही कल जाके बड़े होंगे अगर बच्चों में लिंग अनुपात उचित नहीं है सही तरीके से नहीं दिखाया गया है तो कल जाके ये स्त्री और पुरुष का जो अनुपात रहेगा समाज में वह बिगड़ जाएगा और किसी भी स्वस्थ समाज के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाना चाहिए इस चाइल्ड सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात या बाल लिंग अनुपात का एक दुखद पहलू यह भी है कि सामान्य रूप से हमारी आदत हो गई है कि हम कम पढ़े लिखे लोग गांव के लोग या जो उस तरह के लोग होते हैं जिनको हम ये मानते हैं कि ये समझदार कम हैं हर चीज़ के लिए हम उन पर आरोप लगा देते हैं कि उनके कारण यह विकट सामाजिक समस्या है हम मानते हैं कि शहर के लोग पढ़े लिखे लोग ये सब समस्या नहीं इनके कारण ये सब समस्या नहीं होती है लेकिन अब जो हम आपके साथ आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं साझा कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शहर के लोग जो कि तथाकथित पढ़े लिखे लोग होते हैं जागरूक लोग होते हैं और वह बाकी सब चीज़ों का उन्हें अच्छा ज्ञान होता है तथा कथित ये जो शहरी लोग हैं वहाँ भी ये जो लिंग अनुपात है वह बुरी तरह से बुरी स्थिति में आ गई है और यह इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम ये देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बाल लिंग अनुपात है यह नौ है जबकि शहरी क्षेत्र में यह 905 है जो कि इस ग्राफ में आपको अच्छी तरह से दिख रहा है इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बाल लिंग अनुपात है उसकी स्थिति भयावह है हमें अब इसमें इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि अगर हम बेटी हमें नहीं चाहिए सिर्फ बेटा ही चाहिए तो समाज का क्या होगा उस पूरी सृष्टि का क्या होगा अगर हम यह सोच अब नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारी जो मनोदशा है रूढ़िवादी सोच है वह उसी समय शुरुआत कर लेती है बच्चों को अलग अलग तरीके से देखने में जिस क्षण नर्स आके बताती है कि बेटी हुई है उस अस्पताल में नर्स आके बताती है कि बेटी हुई है उसी क्षण से हमारा जो भेदभाव है वह शुरू हो जाता है कई सामाजिक कारणों से कई आर्थिक कारणों से कई धार्मिक कारणों से हमें सिर्फ बेटा चाहिए अगर हम ये बेटा और बेटी के अंतर को नहीं दूर करेंगे तो इसमें न सिर्फ समाज अव्यवस्थित हो जाएगा बल्कि पूरे सृष्टि को ये प्रभावित कर सकता है अब हम अगर इसकी चर्चा करें कि स्वच्छता से हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं स्वच्छता में अगर हम देखें तो सामान्य रूप से हम सब अनुभव कर रहे होंगे अपने आसपास कि इसकी जिम्मेदारी महिला को दे दी गई है चाहे घर की साफ सफाई हो चाहे और कोई सी तरह की व्यवस्था हो साफ सफाई से संबंधित पूरी व्यवस्था हमने सोच लिया है कि यह पुरुषों का काम नहीं है महिलाओं का काम है और यहाँ भी ये लिंग भेद जो है यह स्पष्टता दिखता है घर की जितनी काम कार्य होते हैं वो घर के सारे काम काज वो सिर्फ महिलाएं ही करेंगी और ख़ास करके स्वच्छता से संबंधित जो कार्य है वह निश्चित रूप से महिलाएं ही करेंगी इसके बारे में भी आपके साथ हम जब एक आंकड़ा साझा करेंगे तो अब यह और स्पष्ट हो जाएगा 2020 में पहली बार भारत में एनएसएस के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया कि महिला और पुरुष जो कार्य करते हैं नित प्रतिदिन काम कर रहे हैं वह उनका कितना समय किस चीज में जा रहा है इसके प्रसंग में 2020 में भारत में एनएसएस की ओर से पहला सर्वेक्षण आया जिसका नाम था टाइम यूज इन इंडिया 2019 समय का कैसे हम यूज करते हैं इसको अगर हम देखें तो जितने पुरुष थे उसमें से सत्तावन प्रतिशत पुरुष ऐसे कार्य में लगे हुए थे जो रोजगार या पैसा कमाने से संबंधित था और रोजगार या पैसा कमाने से संबंधित कार्य में सिर्फ उन्नीस प्रतिशत महिलाएं ही लगी हुई थी यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि रोजगार या पैसा कमाने से संबंधित कार्य में 57 पुरुष और उनकी तुलना में सिर्फ उन्नीस प्रतिशत महिलाएं लगी हुई थी सर्वेक्षण में दूसरा पक्ष ये देखा गया कि गृह कार्य जो होते हैं जिसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है अनपेड डोमेस्टिक वर्क जिसको बोलते हैं अनपेड डोमेस्टिक वर्क में या ऐसे गृह कार्य जिसके लिए पैसा बिल्कुल नहीं दिया जाता है उसमें सिर्फ 26 प्रतिशत पुरुष लगे हुए थे छब्बीस प्रतिशत पुरुष ही उसमें लगे हुए थे जबकि इक्का प्रतिशत महिलाएं लगी हुई थी उसमें एकासी प्रतिशत महिलाएं लगी हुई थी उसमें जिसमें सिर्फ घर के वैसे काम किए जाते थे जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसमें उनको पैसा मिल रहा है इससे ये स्पष्ट इस हो रहा है कि ऐसा कार्य जो महिलाएं सामान्य रूप से कर रही हैं उसको हम मानते हैं कि उन्हीं का उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए और इसकी कोई महत्ता है ही नहीं क्योंकि महिलाएं बनी ही हुई हैं इसीलिए कि गृह का सारा काम वही कर रही हैं और चूंकि इसके लिए उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है या परिवार में वो पैसा कमा के नहीं ला रही हैं इसलिए उनको दूसरे दर्जे पर रखा गया है यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है ऐसे कई कार्य हैं जो महिलाएं ही करती हैं और हम पुरुष समझते हैं कि यह काम हमारा नहीं है स्वच्छता से संबंधित भी ऐसा ही देखा जाता है जब हम ये समझते हैं स्वच्छता के संबंध संबंधित ऐसे कार्य जो पुरुष को भी करना चाहिए सामान्य रूप से पुरुष और स्त्री मिलके काम अगर करेंगे तो किसी समाज के लिए उसको अच्छा माना जाना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से हम ये समझ रहे हैं कि नहीं यह काम स्त्रियों का ही है और यहां स्पष्ट रूप से लिंग भेद दिखाई दे रहा है क्योंकि पुरुष को माना जाता है कि उनके जो समाज में जो एक संस्तरण है समाज में जो हैरान है माना जाता है पुरुष ऊपर होते हैं और महिलाएं नीचे होती हैं उनका द्वयम दर्जा दिया गया है सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से और इसी क्रम में हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता है स्वच्छता साफ सफाई या इससे संबंधित जो कार्य हैं वो महिलाएं ही करती हैं स्वच्छता साफ सफाई ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो शहर में रह रहे हैं या ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पानी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है तो उनको तो पीने का पानी या और उपयोग के लिए पानी सहज ही उपलब्ध हो जाता है लेकिन जैसा कि आप सबको पता है इसी भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ बहुत दूर दूर से पानी लाया जाता है घर में कई क्षेत्र हैं जहां लगभग आधा घंटा या उससे दूर चल के कोई व्यक्ति पानी लाता है अपने घर में उपयोग करने के लिए अब इस में भी चौंकाने वाले तथ्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें पूछा गया था, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जिसको एन कहा जाता है एन में एक बार पूछा गया था एन के चौथे दौर में कि आपके घर में जो पानी आ रहा है पानी लोग लाते हैं वह कौन कौन से लोग लाते हैं और वह किस तरह से पानी आता है आपके घर में अर्थात पुरुष लाते हैं या स्त्रियां लाती हैं किस तरह से आपके घर में पानी आता है यह दो स्तर में उनको विभाजित किया गया था उम्र को पंद्रह से ऊपर वर्ष के व्यक्ति को एक कैटेगरी में दिया गया था कि 15 से ऊपर के स्त्री और पुरुष और 15 से नीचे के देखा गया था कि बच्चे भी इसमें लगे हुए हैं या नहीं या सिर्फ 15 से ऊपर के स्त्री पुरुष लगे हुए हैं आपको यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि 80 प्रतिशत महिलाएं यह काम करती हैं 15 से ऊपर के आयु वर्ग में 80 प्रतिशत महिलाएं जो पानी लाने का काम कर रही हैं जो पंद्रह वर्ष से ऊपर हैं और सिर्फ सोलह प्रतिशत पुरुष पानी लाते हैं दूसरे जगह से अगर हम पंद्रह से ऊपर के स्त्री और पुरुष की बात करते हैं हम आपको फिर बता दें अस्सी प्रतिशत महिलाएं पानी लाती हैं बाहर से और उनकी तुलना में सिर्फ सोलह प्रतिशत ही पुरुष हैं जो पानी भर के बाहर से दूसरे जगह से लाते हैं और इससे भी दुखद आश्चर्य ये है कि जब पंद्रह साल से छोटी बच्ची होती है स्त्री जो पंद्रह साल से कम में है तीन प्रतिशत वह बच्ची ला रही है पानी यानी बेटी ला रही है पानी घर में जबकि उसकी तुलना में जो पुरुष बच्चे होते हैं वह जीरो दशमलव आठ प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम बच्चे बच्चों में भी अंतर देख लीजिए तीन प्रतिशत और स्त्री बच्चा और पुरुष बच्चा सिर्फ एक प्रतिशत से भी कम अर्थात ऊपर आपने देख लिया इससे पहले कि जो वयस्क होते हैं जो बड़े होते हैं जिसको एन में दो कैटेगरी में बांटा गया था पंद्रह से ऊपर और पंद्रह से नीचे तो पंद्रह से ऊपर में अस्सी और सोलह का अंतर था और यहां भी तीन और एक का अंतर है अर्थात बच्चे हम शुरू से ये अंतर करते आ रहे हैं अब जो कि यह जो सर्वेक्षण एन चौथे दौर की जो का सर्वेक्षण है जिसका ये आंकड़ा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं अब इन बिंदुओं के आधार पर हम यह सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि जो आसपास आप देख रहे हैं चाहे वह साफ सफाई की व्यवस्था हो चाहे पानी कहीं से लाने की व्यवस्था हो मान लिया जाता है हम अपने समाज में अपने परिवार में मान लेते हैं कि यह स्त्रियों का ही काम है और यह अगर हमारे घर में बेटा या बेटी होती है तो बेटियों का ही काम है हम अपने दिनचर्या में या दैनिक जीवन में भी आप देखते होंगे चाहे आपके घर पर या आप कहीं मेहमान बन के जाते हैं अगर आपको पीने का एक गिलास पानी लाया जाता है उस घर में अगर बेटा या बेटी दोनों है निश्चित रूप से बेटी ही वो पानी आपके सामने देगी सामान्य शिष्टाचार के तौर पर इसी तरह से अगर उस घर में पुरुष और महिला है तो वो महिला ही पानी आपको देगी सामान्य शिष्टाचार के तौर पर तो घर में काम करना घर से बाहर का भी काम है जो पानी लाना चूंकि ये महिलाओं के जिम्मे हमने थोप दिया है इसीलिए माना जाता है कि महिलाओं का ही ये काम है महिलाएं ही करेंगी महिलाएं नहीं करेंगी तो और ये काम कौन करेगा पुरुष तो ये काम कर नहीं सकता है क्योंकि सामाजिक रूप से और परंपरागत रूप से और हम ये देखते आ रहे हैं कि यह काम महिलाएं ही करती हैं यहां हमें इस चिंतन की जरूरत है कि अगर हम बाकी काम अपना कर लेते हैं तो स्वच्छता से संबंधित इन कामों में हम अपना हाथ क्यों नहीं बटा रहे हैं क्या महिलाएं ही क्यों ये सब काम करें हम घर में अगर पानी खुद से ले लें घर की साफ़ सफाई हम खुद से कर लें हम जहां रह रहे हैं बाकी काम अगर हम कर रहे हैं तो साफ सफाई वाला काम क्यों ना हम खुद कर लें क्यों हमारी ये सोच बन गई है कि साफ सफाई का काम जो है वह दोयम दर्जे का है या निम्न स्तर का है साफ सफाई जबकि हम सब जानते हैं पवित्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हम सब चाहते हैं कि हम पवित्र रहें और यह प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छता से जुड़ी हुई है अगर ऐसा है तो हम क्यों ना करें खुद अपना काम स्वयं हम क्यों नहीं कर लेते हैं हम इस पर ध्यान क्यों नहीं केंद्रित करते हैं कि साफ़ सफाई जैसी चीज़ है वह भी हम भी कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई स्त्री कर सकती है तो वह पुरुष भी क्यों नहीं कर सकता है इसमें हमें जानने की जरूरत है इसके लिए हम, हम उनको समान अवसर देना चाहिए न सिर्फ बाकी चीज़ों में भी हमें उन उन्हें समान अवसर देना चाहिए और यह इसी का दुष्परिणाम है जैसे अन्य चीजों में उनको हम समान रूप से अवसर नहीं देते हैं असमान व्यवहार करते हैं उसी की परिणति है कि स्वच्छता से संबंधित कार्यों में भी उनके साथ हम भेदभाव करते हैं और समान व्यवहार करते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जो पुरुष हैं वह सोचते हैं कि यह हमारा दायित्व ही नहीं है और जब पुरुष यह सोचते हैं कि हमारा दायित्व ही नहीं है उस घर में जो लड़का होगा वह भी वही सीख रहा है कि यह तो दादाजी नहीं कर रहे हैं पापा नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं उस घर की जो बच्ची है वह सीख रही है दादी करती थी मम्मी कर रही है मेरी बड़ी बहन कह रही कर रही है इसका मतलब यह काम आज भी मुझे ही करना है और कल जाके मुझे ही करना है और इस तरह से उसको समाजीकरण के रूप में इस तरह से तैयार कर दिया जाता है कि यह श्रृंखला चलती रहती है हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि अगर पढ़ने लिखने में समान अधिकार की हम बात कर रहे हैं हर काम आजकल विश्व के हर क्षेत्र में महिलाएं खूब सफल हो रही हैं आगे बढ़ रही हैं तो क्यों ना हम उनको बाकी क्षेत्रों में भी समानता का अधिकार दे दें हम ऐसा क्यों करें जिससे स्वच्छता के क्षेत्र में वह हमारी बराबरी पर ना आए स्वच्छता से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह सिर्फ महिलाएं ही करें पुरुष इन कार्यों को न करें या पुरुषों के लिए माना जाता है कि यह पुरुष नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह तो ऊपरी लेवल स्तर का काम करेंगे वह तो संस्तरण में सामाजिक संस्करण में महिलाओं से ऊपर हैं, तो वह छोटे काम क्यों करेंगे हमें यहां समझ लेना चाहिए कि महिलाएं बराबरी का हकदार हैं और यह हक उन्हें इस तरह से मिला हुआ है कि हमें स्वयं क्योंकि हमारे परिवार की ही वो सदस्य हैं हम स्वयं समझें कि उनकी गरिमा की रक्षा कैसी हो उनको वो भी एक मानव हैं और मानव अधिकार की रक्षा उनकी भी की जानी चाहिए इस प्रसंग में भी हमें सोचना चाहिए एक जो खास स्त्री से संबंधित ही समस्या है जो महिलाओं को इस स्वच्छता से संबंधित और सामना करना पड़ रहा है वह है उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड माहवारी या मासिक धर्म से संबंधित इसमें महिलाओं को यह एक सामान्य जैविकी प्रक्रिया है इसमें न सिर्फ उनको शारीरिक रूप से परेशानी होती है बल्कि उसके साथ ही जो परंपरागत मान्यता है, धार्मिक मान्यता है पवित्रता अपवित्रता की धारणा भी इससे जुड़ी हुई है गरिमा की धारणा भी इससे जुड़ी हुई है सामान्य रूप से यह माना जाता है कि यह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है लेकिन यह चूंकि गरिमा और सामाजिक ताना बाना ऐसा जुड़ा हुआ है कि महिलाएं उस समय अपवित्र घोषित कर दी जाती हैं सामान्य समाज में उसी तरह से कई कामों से उनको वंचित कर दिया जाता है और उनकी सामान्य सहभागिता नहीं रह पाती है इतना ही नहीं इसके कारण जो और कई समस्याएं हैं आप सब ने निश्चित रूप से इसकी चर्चा की होगी खुले में शौच की निश्चित रूप से जब हम खुले में शौच की बात करते हैं तो यह पुरुषों के लिए भी गड़बड़ है उनके लिए भी खतरनाक है उनके लिए भी गरिमा के प्रतिकूल है लेकिन खुले में शौच जैसी समस्या जो है जिसको ओपन डेफिकेशन कहते हैं यह महिलाओं के लिए यह ज़्यादा हानिकारक है और क्योंकि उनकी जो गरिमा है उनकी सामाजिक जो हमारी ताना बाना है उसके साथ ही उनकी कुछ जो शारीरिक रचनाएं हैं शारीरिक आवश्यकता है उसमें भी अगर घर में शौचालय नहीं रहता है तो महिलाओं के लिए वह ज़्यादा हानिकारक होता है और ज़्यादा कष्टदायक होता है इसमें हमें यह देखना है कि खुले में शौच जबकि आज के समय में स्वच्छ भारत अभियान जो कि 2014 से ही चल रहा है निश्चित रूप से यह कार्यक्रम काफी सफल है और कई क्षेत्रों में काफी सफलतापूर्वक काम चल ही रहा है इससे खुले में शौच जैसी समस्या का निदान हुआ है और हम अब ओपन डेफिकेशन से आगे बढ़ के ओडीएफ प्लस पर चले आ रहे हैं जिसमें सामान्य स्वच्छता की भी बात चल रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत लेकिन अभी भी हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि खुले में शौच को पुरुषों के लिए भी रोकना चाहिए महिलाओं के लिए भी निश्चित रूप से यह तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए और समाज में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए विवश न हो क्योंकि उससे उनके शारीरिक रचना के कारण और कई समस्याएं होती हैं समाज में सामाजिक मान्यताओं के अनुसार और उसको ध्यान में रखते हुए गरिमा और इज्जत को ध्यान में रखते हुए दिन में वह शौचालय नहीं जा सकती हैं इसके लिए उन्हें शाम का या रात के अंधेरे तक का इंतजार करना पड़ता है और इसी तरह वह बहुत ही सुबह चली जाती हैं शौचालय जिससे उनको शौचालय नहीं जा पाती हैं जिससे उनको खुले में शौच के लिए सुबह सुबह जाना पड़ता है क्योंकि इसमें दिन के उजाले में व खुले में शौच नहीं जा सकती हैं इसके कई दूरगामी परिणाम भी होते हैं जो कि पुरुषों से अलग हैं कई जो दुष्परिणाम हैं वह पुरुषों के लिए भी हैं महिलाओं के लिए खासकर ऐसी कई समस्याएं हैं जैसे उन्हें इस दौरान कभी कभी समाज में असामाजिक तत्वों द्वारा बलात्कार या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं क्योंकि वह शाम में या रात के अंधेरे में ही बाहर जाती हैं उसी तरह उन पर कभी कभी जानवरों का या सांप का आक्रमण भी हो जाता है इससे भी वो प्रभावित हो जाती हैं और इसके अलावा ये भी कभी कभी देखा गया है कि उनके स्वास्थ्य पर भी अगर घर में शौचालय नहीं है या वह बाहर जा रही हैं शौच के लिए उनके स्वास्थ्य पर भी इसलिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है कि इसके कारण वह कम खाना खाती हैं कम पानी पीती हैं जिससे दिन में उनको बाहर न जाना पड़े और निश्चित रूप से कम खाना खा खाना खाकर या कम पानी पीकर कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है इसका तो प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से पड़ता ही है खुले में शौच जाने के अलावा या शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने के कारण स्त्रियों में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि स्कूल में जब वो विद्यालय में जब वो अध्ययन के लिए जाती हैं, तो ये सरकारी आंकड़ा भी कहता है और कई सारे सर्वेक्षण भी कहते हैं कि वो पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। पुरुषों के पुरुष बच्चों के अपेक्षा में महिला बच्चे ज्यादा पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि वही जब किशोरावस्था या युवावस्था में जाती हैं उसके बाद अगर स्कूल में समुचित व्यवस्था नहीं रहती है शौचालय की तो उनकी जो सामान्य शारीरिक रचना है उसके कारण वह नहीं जा पाती हैं यह देखा गया है कि अगर स्कूल में कॉलेज में अगर समुचित शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो स्त्रियां अपनी पढ़ाई वो निरंतर जारी नहीं रख सकती हैं तो शौचालय की समस्या जो कि जिसको हमने निश्चित रूप से इसको महिलाओं के साथ ज़्यादा जोर दिया है और उनके लिए शारीरिक रचना और बाकी कारणों से ज़्यादा जरूरी है और यह उनके पढ़ाई को भी प्रभावित कर रहा है अभी हमने आंकड़ों की बात की थी कि सिर्फ पैंसठ प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर हैं अगर शौचालय की समुचित व्यवस्था हो जाए और समाज में हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जिससे उनकी पढ़ाई ना रुके तो उनके शिक्षा के कारण भी और शिक्षा में भी हम काफ़ी उत्साहवर्धक प्रगति कर सकते हैं यह जो समस्या है यह निश्चित रूप से सिर्फ महिलाओं तक ही संबंधित है क्योंकि निश्चित रूप से चाहे पवित्रता अपवित्रता जो कि उनके माहवारी के दौरान या मासिक धर्म के दौरान समाज में जो मान्यताएं चली आ रही हैं चाहे उनको शौचालय से संबंधित जो समस्याएं हों उनके शारीरिक विकास के लिए मानसिक विकास के लिए उनके लिए निश्चित रूप से ही यह हानिकारक है उसी तरह से स्वच्छता से संबंधित जो हमने बात किया चाहे वो घर की साफ सफाई हो चाहे दूर से पानी लाना हो निश्चित रूप से इन सब व्यवस्थाओं पर हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है कि वह इसी समाज का अंग हैं अगर महिलाएं इसी समाज का अंग हैं और वह हमारे ही परिवार की सदस्य हैं तो निश्चित रूप से उनको भी जीवन जीने का और गरिमामय जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जिन्हें हम है इस पर हमें निश्चित रूप से चिंतन करने की जरूरत है आज के समय में जब हम महिला और स्वच्छता की बात करते हैं तो हमें कुछ खास बिंदुओं पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए अगर हम इन खास बिंदुओं की चर्चा करें तो उसको इस रूप में देखा जा सकता है जो कि लिंग और स्वच्छता के समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभाव से निश्चित रूप से जरूरी है और इस पर हमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हम स्वच्छता की समस्या की चर्चा कर रहे हैं और हम इन पर समस्या की चर्चा नहीं करेंगे और निदान के लिए हम काम नहीं करेंगे तब हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं इसमें पहले ज़रूरत है लिंग संतुलित समाज की आवश्यकता जैसा हम बात कर रहे हैं कि समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए वह स्त्री है या वह पुरुष है इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए समाज में और समाज का वह उतना ही अंग है जितना पुरुष है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है एक विदुषी जो पेट्रीसिया कोल हैं उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था आउटसाइडर्स विद इन महिलाओं के लिए उन्होंने आउटसाइडर्स विदिन कहा था मतलब वो अंदर की हैं लेकिन वो बाहर वाले लोग की तरह हैं यहाँ आउटसाइडर्स विद इन का ये मतलब है कि महिलाएं घर का अभिन्न हिस्सा हैं फिर भी वो बाहरी लोग की तरह इसलिए हैं कि उनको घर के संबंधित किसी निर्णय लेने में हम उनकी भूमिका का महत्व तो नहीं समझते हैं घर में अगर कोई छोटा बड़ा जो भी निर्णय लेना होता है वह हम स्वयं लेते हैं पुरुष लेते हैं महिलाओं को इससे दूर रखा जाता है माना जाता है कि महिलाएं उचित नहीं निर्णय ले सकती हैं इस प्रसंग में पेट्रिसिया कॉलिन्स ने उनको आउटसाइडर्स विद इन कहा है कि घर के अंदर हैं लेकिन वह बाहरी लोग की तरह हैं यह जो व्यवस्था है या यह जो हमारी सोच है यह किसी भी तरह इस सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमें यह देखना चाहिए कि अगर हम अच्छे सोच के साथ नहीं चलेंगे समाज में लिंग आधारित विभिन्नताएं है, जो हैं भिन्नता हैं उसको हम दूर नहीं करेंगे तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ पाएगा इसी तरह से हमें जरूरत है अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर क्या हम करें जिससे ऐसी जो समस्या है लिंग आधारित महिला पुरुषों में जो भेदभाव है इसको हम समाधान इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं एक शब्द का प्रयोग होता है अंग्रेजी में एंड्रोजीनी का निश्चित रूप से चिकित्सा शास्त्र में एंड्रोजीनी शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जिसमें जो उसके जो शारीरिक अंग हों वह असामान्य रूप में हो और उसमें महिला पुरुष दोनों के अंग हों और वह असामान्यता की स्थिति में मानी जाती है लिंग और स्वच्छता के संदर्भ में और अगर हम लैंगिक समानता के संदर्भ में देखें तो ये एंड्रोजिनस जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है एंड्रोजीनस जो व्यक्तित्व का निर्माण है इसकी अगर हम सोच आगे बढ़ाएं तो हम काफी हद तक समाधान कर सकते हैं

अगर महिलाएं किसी और अन्य कामों में व्यस्त हैं तो अगर पुरुष ही या पिता ही बच्चों को थोड़ा देर संभाल ले पुरुष ही अगर किचन में या रसोई घर में कुछ काम कर दें हाथ बटा दे उसी तरह अगर पुरुष किसी और काम में व्यस्त हैं तो महिलाएं घर का बाहर काम कर लें आज हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं लेकिन उसके साथ ही महिलाओं को दोहरी जो कार्य प्रणाली है उनको डबल बर्डन देखना पड़ रहा है क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी है जो कुछ कार्य अगर वो कमा भी रही है बाहर भी कार्यरत भी है रोजगार में लगी हुई है फिर भी उसको वो काम तो करना ही है चाहे वह व्यवसाय हो या उसका कोई और दूसरा कार्यालय हो वहाँ अपना काम वो करेगी ही उसके अलावा जो घर के काम हैं बच्चों के पालन पोषण उसके साथ खाना बनाना या साफ़ सफाई स्वच्छता जिसके हम अभी चर्चा कर रहे हैं ये सब महिलाएं ही निश्चित रूप से करेंगी अगर हम एंड्रोजिनस व्यक्तित्व की बात करें तो अगर घर में पुरुष भी एक दिन झाड़ू लगा लें पुरुष भी घर की साफ़ सफाई कर दें भी अच्छी तरह से कर दें साफ सफाई किसी घर की तो उससे उसमें एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी ट्रेस आ जाएगा और उसमें उसमें जो एंड्रोजिनियस व्यक्तित्व का निर्माण है या लाभकारी होगा कि पुरुष भी वो काम कर रहे हैं जो महिलाएं कर रही हैं ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि अगर आज हम झाड़ू पोछा घर में लगा लेंगे या आज हम बर्तन साफ कर लेंगे या आज हम अच्छी तरह टेबल को ठीक कर लें तो इससे हम निम्न स्तर पर आ जाएंगे बल्कि हमारी सहभागिता अगर रहेगी तो इससे न सिर्फ हमारे परिवार का बल्कि हमारे समाज का समुचित विकास हो पाएगा क्योंकि अगर हम ये कर रहे हैं निश्चित रूप से उस परिवार में जो बच्ची है उस परिवार में जो स्त्री छोटी है वो भी यही सीखेगी और जो बच्चा है लड़का है वो भी वही सीखेगा इस तरह से न सिर्फ अपने पारिवारिक ढांचा को अपने पारिवारिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएंगे बल्कि हम एक आने वाली ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जहाँ ऐसी कोई भिन्नताएँ या असमानताएँ या लैंगिक असमानता की समस्या नहीं आएगी इसके लिए हमें जरूरी है कि इस स्तर पर हम काम करें इस संदर्भ में एंड्रोजिनस व्यक्तित्व की चर्चा की गई है अगर हम अपने आप में ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें जिसमें दोनों प्रकार के व्यक्तित्व रहें वह कार्य भी हम कर सकें अच्छी तरह जो सामान्य रूप से महिलाओं के लिए दिया गया है इसी तरह सामान्य रूप से जो कार्य पुरुषों के लिए दिया गया है वह कार्य महिलाएं भी करें तो दोनों का एक समिश्रण हो उस व्यक्तित्व में तो समाज के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा धारणाएं बदलना चाहिए नैतिक समर्थन हमें देना चाहिए अगर हम मोरालिटी की बात करें दुर्भाग्यवश जितनी नैतिकता की बात है शिष्टाचार की बात है संस्कार की बात है इन सब चीज़ों को हम महिलाओं के साथ जोड़ देते हैं हम निश्चित रूप से यह भूल जाते हैं कि समाज में नैतिकता या नैतिक आधार पर पुरुषों को भी रहना चाहिए समाज में जब भी कोई गलत घटनाएं घटती हैं हम निश्चित रूप से उसके लिए महिलाओं को जिम्मेदार मान लेते हैं पुरुषों के नैतिकता पर पुरुषों के बाकी व्यवहार पर हम कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं अगर नैतिक रूप से महिलाएं और पुरुष दोनों ठीक रहें धारणा हम इस तरह से बदल लें कि हम ये ना सोचें कि यह जो काम है स्वच्छता या सफाई की यह सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं बल्कि पुरुष भी कर सकता है यह काम यह काम अगर हम करें चाहे वो स्वच्छता हो या दूर से अगर पानी लाना है तो क्यों महिलाएं ही आधा घंटा पैदल चलकर उन पहाड़ी क्षेत्रों में पानी भरकर लाती हैं अगर पुरुष भी उसका हाथ बटा दे पुरुष भी कहीं बाहर से पानी लेके आ जाए जिसके लिए हम ये मानते हैं कि नहीं घर में पानी की व्यवस्था करना सिर्फ स्त्रियों का ही काम है तो यह मानसिकता या ये धारणा बदलना चाहिए और अगर हम काम ऐसा कुछ कर लेते हैं तो उससे हमारे कुछ मनोदशा नहीं बदलनी चाहिए या समाज के दूसरे व्यक्तियों को इस पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहिए उन्हें भी समझना चाहिए कि हम भी ऐसा करें और आने वाला पीढ़ी भी ऐसा करे तो इससे संबंधित धारणाएं बदलने की जरूरत निश्चित रूप से है शिक्षा जिसकी हम अभी तुरंत चर्चा कर चुके हैं शिक्षा हर हाल में पुरुषों के लिए भी जरूरी है महिलाओं के लिए भी जरूरी है महिलाओं के लिए शिक्षा इसलिए जरूरी है कि वह पूरे समाज का ध्यान रखती है पूरे परिवार का ध्यान रखती है अगर वो ठीक से पढ़ी लिखी होंगी तो वो समझ सकती हैं कि अपने बच्चों का लालन पालन हम कैसे करें उनका पालन पोषण हम कैसे करें उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए स्वच्छता और स्वस्थता से संबंधित जितनी जानकारी है और खास करके वो समझ सकती हैं कि पालन पोषण में कैसे हम स्वच्छता का ध्यान रखें बच्चा जिससे हमारा स्वस्थ रहे और अच्छी तरह से अगर वो शिक्षित हो जाती हैं तो उसका उपयोग वो अपने घर के लिए भी कर सकती हैं समाज के लिए भी कर सकती हैं इसलिए शिक्षा की नितांत आवश्यक है कि महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से शिक्षा का अधिकार तो उनको निश्चित रूप से है और अधिकार है ही उसके साथ ही हम प्रचलन में भी ये सब लाएं ऐसा नहीं हो कि संविधान में तो लिखा है कानून में दिया हुआ है लेकिन व्यावहारिक स्तर पर हम ये करने से पीछे हट जाते हैं हम निश्चित रूप से अपनी बेटी को भी उतना ही शिक्षा दें जितना अपने बेटा को देते हैं तो शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है शिक्षा की जो जरूरत है निश्चित महिलाओं की भी पूरी की जानी चाहिए इसी तरह जनसंख्यिकीय लाभांश जिसको आजकल आपने सुना होगा डेमोग्राफिक डिविडेंट बोलते हैं डेमोग्राफिक डेविडेंट में क्या होता है कि हम भाग्य से अभी जो भारत है हमारा राष्ट्र है उसमें युवा की संख्या बहुत ज्यादा है हम युवा वर्ग बहुत ज्यादा है अगर हमें इस इन युवा वर्गों की मदद लेनी है अपने देश को तरक्की करवाने के लिए आगे ले जाने के लिए प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए निश्चित रूप से यह जो यूथ है निश्चित रूप से इसमें महिलाएं भी हैं लगभग आधा तो क्या ऐसा संभव है कि लगभग आधी आबादी को हम पीछे छोड़ देंगे और यह जो डेमोग्राफिक डिविडेंट का जो लाभ है यह सिर्फ हम पुरुषों से ही ले लें यह असंभव है हम सब जानते हैं तो यह जो युवा का सहयोग है यह युवक युवती दोनों का अगर हमें सहयोग मिले तो हम जो अभी इस अच्छे डिविडेंट डेमोग्राफिक डेविडेंट की दौर से गुजर रहे हैं इसका निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा और इसका लाभ लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो जैसे युवक को हम प्रोत्साहित करते हैं युवक को मौका देते हैं उसी तरह युवतियों को भी हम मौका दें अपने स्त्रियों को भी हम आगे बढ़ने का मौका दें उनको शिक्षा का समान अवसर दें जिंदगी के हर क्षेत्र में उनको यह सब करने का अवसर दें जो वह अच्छी तरह से कर सकती हैं इसमें हम कोई भी लैंगिक असमानता का काम ना करें जिससे उन हमें ये लगे कि हमारे समाज को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है या अंततः हमारे राष्ट्र को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है उसी तरह कानून एवं व्यवस्था तक आसान पहुंच निश्चित रूप से हमें यह समझ लेना चाहिए कि कानून की व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है हमारे जगह पर हर जगह पर कानून की व्यवस्था की गई है और उसमें पालन करने के लिए हम जो समाज के व्यक्ति हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए अंग्रेजी में एक टर्म होता है डिफेक्टो और डे जेरोक्टो का मतलब यह होता है कि वास्तविक रूप से क्या अधिकार हम महिलाओं को दे पा रहे हैं इस संदर्भ में और डे इस कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि कानूनी रूप से क्या अधिकार महिलाओं को मिला है हमें यह अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि कानून में बहुत कुछ दिया गया है कानून की अपनी ए, सीमाएं होती हैं क्योंकि समाज में उसको लागू करना होता है जब तक हम समाज में अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे उसको हम लागू नहीं कर सकते हैं अगर हम इसी को स्वच्छता और महिला से संबंधित अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो कानून में कहीं नहीं कहता है ये कि साफ सफाई का काम सिर्फ महिलाएं ही करें साफ सफाई का काम पुरुष नहीं कर सकते हैं स्वच्छता से संबंधित महिला की भूमिका ही होनी चाहिए पुरुषों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए कानून में ये सब कहीं नहीं लिखा गया है कानून की ओर से ऐसी कोई भिन्नता नहीं की गई है कानून में लैंगिक असमानता की बात नहीं की गई है अंतर इतना है कि व्यावहारिक रूप पर जब हम व्यवहार में उतरते हैं तो महिलाओं को वो सब अधिकार दिया जाना चाहिए वास्तविक रूप में कानून में बहुत कुछ दे दिया गया है चाहे वह राज्य स्तर पर हो चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो आप सबने सुना होगा एस या सतत विकास लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य का जो पांचवा लक्ष्य है वो महिला समानता की ही बात कर रहा है इसी तरह से अपने राष्ट्र में भी भारत में भी कई ऐसे नियम कानून बने हुए हैं कई ऐसे प्रावधान हैं जो लैंगिक समानता की बात कर रहा है और न सिर्फ समानता की बात कर रहा है बल्कि उसको ऊपर उठाने की भी बात कर रहा है अभी हम शिक्षा की बात कर रहे थे जो इस नवीनतम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दो उसमें खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए एक विशेष कोष की रचना की गई है खास बजट की व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा महिलाओं को ऊपर उठाया जाए चाहे वह उनको खास प्रावधान किया गया है जिससे महिलाओं को महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी समान रूप से ले जाए तो कानून के माध्यम से कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे महिलाओं और पुरुषों में समानता लाई जा सकती है महिलाओं और पुरुषों में जो विभेद है जो अंतर है उसको कम करने की पूरी प्रयास की गई है लेकिन जरूरत यह है कि उसको व्यावहारिक रूप में हम लाएं समाज के एक सक्रिय सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है दायित्व तो बनता है कि हम इस दिशा में भी काम करें इसी तरह से लिंग अंतर को कम करने के लिए नीतियों योजनाओं और प्रोत्साहनों को मजबूत करना हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि कई प्रकार की योजनाएं काम कर रही हैं, कई प्रकार के नीतियां बनी हैं, जैसा हम अभी तुरंत बात कर रहे थे इसको कार्यान्वित कौन करेगा जब तक समाज का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा समाज के हर तरह के लोग हर स्तर के व्यक्ति जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमें जो अधिकार है पुरुषों को जो अधिकार है वह महिलाओं को भी बराबरी का मिलना चाहिए जब तक हम मानसिक रूप से यह तैयार नहीं कर लेंगे अपने आप को कि महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलना चाहिए तब तक चाहे कितनी भी नीतियाँ बन जाएं कितनी भी सरकारी प्रावधान किया जाए उसका पालन नहीं किया जा सकता है समाज में और आवश्यकता इस बात की है कि समाज में सुचारू रूप से इन सब कार्यक्रमों का इन सब नीतियों का पालन किया जाए इसको कार्यान्वित किया जाए जिससे समाज में महिला और पुरुष की भागीदारी समान रूप से हो पाए इसी तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे एस को प्राप्त करने के लिए भी हमें कड़े मेहनत करने की जरूरत है हम सब ये समझते हैं कि कई प्रकार की नीतियाँ बन गई हैं और वह निश्चित रूप से समाज के अनुकूल होता है किंतु जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं हैं लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने घर से काम करना चाहिए क्योंकि ये लैंगिक समानता लैंगिक असमानता की जो स्थिति है इसको कहा जाता है कि परिवार ही इसका गंगोत्री भी है और परिवार भी इसका समुद्र भी है अर्थात लैंगिक असमानता परिवार से शुरू होती है और परिवार में ही खत्म होती है इसका अर्थ यह है परिवार से लैंगिक असमानता की क्यों शुरुआत होती है जैसा कि हम बात कर चुके हैं बच्चा जब पैदा होता है उसी समय से उसके साथ असमान व्यवहार किया जाता है और आजकल तो पैदा होने से पहले ही लिंग भ्रूण हत्या जो महिला लिंग भ्रूण हत्या की चर्चा हो रही है कभी आप ये इस पर सोचिए कि कि सामान्य रूप से हम कि हम मानते हैं हैं, बाहर और सुरक्षित हैं, घर में सुरक्षित हैं वहां और सुरक्षित हैं यहाँ सुरक्षित हैं कोई भी व्यक्ति अपने माँ के पेट से ज्यादा सुरक्षित जगह दुनिया में नहीं पा सकता है एक गर्भस्थ शिशु के लिए सबसे सुरक्षित स्थान वह माँ का पेट होता है अगर कोई बच्चा माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है उसकी यही एक गलती है कि वह पता चलता है कि वो महिला भ्रूण है इसके कारण उसकी हत्या कर दी जाती है इससे बड़ा किसी समाज की विडंबना क्या हो सकती है अगर हम परिवार में उसी समय से या जब वो बड़ी हो जाती है छोटी बच्ची से ही हम काम करवाना शुरू कर देते हैं कोई मेहमान आता है तो हम पुरुष अपना जो हमारा जो बच्चा होता है बेटा होता है उसको नहीं बोलते हैं कि पानी दो बल्कि बेटी को बोलते हैं पानी दो यहां तक कि जब बाहर से पानी लाने की बात आती है तो अभी अभी हमने एन चौथे जो दौर है उसकी बात की तो एक प्रतिशत से कम पुरुष बच्चा उसमें संलग्न है जबकि तीन प्रतिशत महिला बच्चा उसमें संलग्न है इस विभिन्न स्तर पर जो हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं लैंगिक असमानता कर रहे हैं इसमें हमें चिंतन करने की जरूरत है और खास करके अगर हम आर्थिक स्तर पर कुछ हद तक समानता कर ही रहे हैं लैंगिक समानता में उसके साथ ही हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी समान व्यवहार करना चाहिए जिसको लैंगिक समभाव बोलते हैं लैंगिक समभाव हमें करना चाहिए क्योंकि यह नैतिक स्तर पर और मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब हम बेटा बेटी को एक मानते हैं तब हम उसके लैंगिक समभाव की धारणा विकसित होती है अर्थात समाज, uh. समाज तो में हमें अपने परिवार में हमें ना सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि अपने बेटा को जितना पैसा दे रहे हैं उतना भी बेटी को भी दे रहे हैं अपने बच्चे को जिस तरह के स्कूल में पढ़ा रहे हैं बेटी को भी पढ़ा रहे हैं साथ ही यह भी देखना चाहिए कि अगर हम बेटा को बाहर जाने दे रहे हैं बेटा को कितनी देर तक बाहर जाने दे रहे हैं बेटी को कितनी देर तक बाहर जाने दे रहे हैं बेटा के लिए कितने नियंत्रण हैं बेटी के लिए कितने नियंत्रण हैं बेटा कौन सा काम कर सकता है बेटी कौन सा काम नहीं कर सकती है यह सब जो एक भावना है हमारे जो विचार हैं जब हम काम करने के लिए कहते हैं बच्चों को उसी समय से शुरू हो जाती है हमें यह जो स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम के इस श्रृंखला में जो आज हम लिंग और स्वच्छता की बात कर रहे हैं इसका परिणाम इस तरह से हम ले सकते हैं कि हम अपने विकसित एक ऐसे स्वस्थ समाज की परिकल्पना के साथ करें जिसमें हम ऐसा समाज हो जिसमें स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं को ही ना दे दी जाए बल्कि पुरुष ही उसको समान रूप से उस कार्य को करें पुरुष भी उस सम में सहभागी बने इस तरह से समाज में हम ऐसे तरह इस तरह से अपने जिंदगी का निर्वाह करें जिसमें ये लगे कि स्वच्छता साफ सफाई या बाकी ऐसी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ महिलाओं ही नहीं करेंगी बल्कि पुरुष भी करेंगे खास करके ऐसी कई समस्याएं हैं स्वच्छता से संबंधित कई वास्तविकताएं हैं स्वच्छता से संबंधित जो महिलाओं के शारीरिक गुण के कारण उनके शारीरिक रचना के कारण सिर्फ उन्होंने के लिए है तो चाहे वह पवित्रता अपवित्रता की बात हो चाहे नैतिक मूल्यों की बात हो हमें यह सोचना चाहिए कि सामान्य रूप से वह सामान्य मनुष्य हैं और एक मानव का जो अधिकार है वह भी मानव है मानव अधिकार से भी उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए जैसे पुरुष को मानव अधिकार दिया गया है महिलाओं को भी मानव अधिकार दिए गए हैं उसी तरह से नैतिकता का पाठ जितना हम महिलाओं को पढ़ाते हैं पुरुषों को भी पढ़ाना चाहिए तो स्वच्छता से संबंधित जितनी धारणाएं हैं इस प्रसंग में हमें यह निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम पुरुष भी सहभागी बने हम पुरुष भी महिलाओं के लिए वह सब काम करें जिसको करने से कोई पुरुष नीचे या कोई पुरुष निम्न स्तर का नहीं हो सकता है ना ही हम ये मान लें कि साफ सफाई का जो काम है यह निम्न स्तर का है इसको सिर्फ महिलाएं ही करें बल्कि पुरुष भी इसको हंसते हंसते कर सकते हैं और अगर इसको हम सामान्य दिनचर्या का कार्यक्रम बना लें अगर हम नियमित रूप से यह समझें कि पुरुष और महिला दोनों मिलकर स्वास्थ्य स्वच्छता और घर का पर्यावरण अच्छा रहे इस दिशा में अगर काम करें तो न सिर्फ उस व्यक्तिगत उस व्यक्ति का उस परिवार का बल्कि उस समाज और राष्ट्र का भी निर्माण अच्छी तरह से हो पाएगा और न सिर्फ इससे लैंगिक समानता का विकास होगा अपितु हम यह भी देख लेंगे कि स्वच्छता से संबंधित जितने कार्य हैं वह सुचारू रूप से होते रहेंगे और इसमें पुरुष की भागीदारी भी अगर रहेगी तो जो काम महिलाएं अकेले कर रही हैं उन पर बोझ भी उतना ज़्यादा नहीं आएगा उसके साथ ये भी फायदा होगा कल का जो बच्चा है जो आज बच्चा है कल जाके वो वयस्क बनेगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो वो भी समझ लें कि कल जाके एक अच्छे भविष्य का हम निर्माण कर पाएंगे इस तरह से अगर हम देखें तो स्वच्छता और जेंडर या लिंग में जो अंत संबंध है जो इसकी विशेषता है इसके विभिन्न आयामों पर हम आज आज चर्चा कर रहे थे इसको आप गंभीरता से लें और व्यक्तिगत जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें जिससे अगर हमारा परिवार खुशहाल रहेगा हमारे परिवार में लैंगिक समानता रहेगी तो समाज भी सुधरेगा और अंततः राष्ट्र भी सुधरेगा और एक अच्छे विश्व की हम संकल्पना कर पाएंगे इस लिंग और स्वास्थ्य से संबंधित व्याख्यान के लिए हमने कुछ पुस्तकों का की मदद ली है और इस पर विस्तृत अध्ययन के लिए आप भी इन पुस्तकों की मदद ले सकते हैं यह जो जो सजेस्ट किया गया है यह जो आपको बताया गया है संदर्भ सूची यह कुछ इस तरह से है करुणा चनाना की पुस्तक है सोशलाइजेशन वेमेन एंड एजुकेशन एक्सप्लोरेशन इन जेंडर आइडेंटिटी अनिल कुमार सिंघझा की पुस्तक है रीथिंकिंग जेंडर इक्वलिटी'। अनिल कुमार सिंघझा का आलेख है राइट टू सैनिटेशन एंड डिग्निटी ऑफ वेमेन यह बिंदेश्वर पाठक द्वारा संपादित पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन इन्वायरमेंटल सेनिटेशन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेप्रिवेशन में प्रकाशित है मधु नागला की पुस्तक है जेंडर एंड हेल्थ बीके नागला की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन रिचर्ड पायस की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन बिंदेश्वर पाठक द्वारा संपादित पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डिप्रीवेशन बिंदेश्वर पाठक की दूसरी पुस्तक है एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड एराडिकेशन ऑफ स्केवेंजिंग इन इंडिया जीआरपी सिंह की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र परिचय अनिल वघेला की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र इन पुस्तकों की आप मदद ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि विस्तृत अध्ययन हम करें स्वच्छता और लिंग से संबंधित सेनिटेशन और जेंडर से संबंधित इस तरह से हमने आज स्वच्छता और लिंग या जेंडर पर परिचर्चा की है हमारा जो अगला स, व्याख्यान होगा वह समाजीकरण और स्वच्छता पर केंद्रित रहेगा जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि समाजीकरण की क्या भूमिका होती है स्वच्छता स्वच्छ समाज के निर्माण में स्वच्छ परिवार के निर्माण में या स्वच्छता से संबंधित और कई कार्यों में समाजीकरण की क्या भूमिका हो सकती है अपने परिवार में समाज में जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसका क्या परिणाम हमें आने वाले दिनों में मिलेगा तो स्वच्छता और और समाजीकरण के बारे में हम अपने अगले श्रृंखला में और अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे आपने मनोयोग पूर्वक धैर्य रखते हुए इस पूरे व्याख्यान को सुना इसके लिए आपका धन्यवाद